सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज़ दैट एक ऐसी माँ की कहानी है जो लड़की की माँ भी है और लड़की का बाप भी है और किस तरह से वो ये और वो उसकी रियल माँ नहीं है तो किस तरह से वो उस लड़की की लाइफ में खुशियाँ लाती है, किस तरह से उस लड़की को नर्चर करती है, उनके रिलेशनशिप को नर्चर करके कैसे उस बॉन्ड को मेंटेन करती है और ये एक बच्ची की भी कहानी है जो जिसने सिर्फ अपनी माँ को देखा है, जिसने अपने बाप को कभी देखा नहीं है और वो जो बच्ची है वो अपने बाप को ढूंढना चाहती है और वो जो उसकी इमोशनल जर्नी है बच्ची की, शो इसी के बारे में है और उस शो का हम हिस्सा हैं। मेरा किरदार दीप मल्होत्रा का है। सो ये एक ऐसा किरदार है जो यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच का एक ब्रिज है और कहानी में ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में ड्रामा लोग देखना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट होता है स्टोरी को लेकर के और उस ड्रामा को बैलेंस करने के लिए एक फन एलिमेंट या एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो मेरा किरदार उस ड्रामा को बैलेंस आउट करता है स्टोरी में। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ कामना मल्होत्रा इन बहुत प्यार करते हैं और शो की जैसे सर ने बात की बहुत ही प्यारा शो है। मैंने जब पहली बार सुना था तो एज अ वुमन मैं कनेक्ट कर सकी थी इस शो से क्योंकि हम आसपास अपनी सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ज़रूर। इट्स अबाउट दिस गर्ल हु हैज़ अ लिटिल चाइल्ड और कैसे उसकी शादी एक सुपरस्टार से हो जाती है, एक सिंपल लड़की एंड शी इज़ मैरिंग अ सुपरस्टार एंड शी इज़ हैविंग अ लिटिल बेबी। और मेरा कैरेक्टर है कामना मल्होत्रा का जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है और नेगेटिव कैरेक्टर मुझे करने में क्योंकि लोग हर बार ये पूछते हैं कि मुझे डर लगा या मुझे हेट कमेंट से डर नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता डर क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक शो में जितना एक पॉजिटिव कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो और मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंस को मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखना बहुत पसंद है और मेरे कैरेक्टर की यही खूबी है कि शी इज़ प्लेइंग अ स्टेप आंट, लेकिन इसका भी जस्टिफिकेशन क्रिएटर्स ने और राइटर्स ने बहुत खूबी से दिया था मुझे जब मैंने पूछा था कि वो क्या उसको एज दिखाया है या उनको बड़ी दिखाया है क्योंकि वो दो लड़कों की माँ है तो मैं क्यों हूँ स्टेप मदर और स्टेप मासी या मैं क्यों कामना मल्होत्रा हूँ, कैसे मैं इनकी फैमिली में आई। जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा और सारा जस्टिफिकेशन होगा। मतलब स्टार्ट भारत की बात कर लें, कल्चरल आस्पेक्ट, ट्रेडिशनल आस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, यू नो, खास यंगस्टर को जानना, तो ये शो कितना वो चीज़ को हाईलाइट करेगा। सो वही है, इंडिया का कल्चर ही वैसा है कि पूरा फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है इंडिया का और जितने भी शोज़ आप देखेंगे चाहे वो इस स्टार भारत पे हो या चाहे कई अन्य चैनल पे हो, सभी लोग जो हमारे इंडियन कल्चर की लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले ही शोज़ बनाते हैं और ये कहानी भी उसी तरह की है। और एक तरह से देखा जाए तो जो एंटरटेनमेंट है या फिल्में हैं या सीरियल्स हैं वो एक समाज का आईना होती है, तो समाज में जो चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट के द्वारा उन्हीं चीज़ों को दर्शाया जाता है, लेकिन उसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि उसको एक अच्छा मैसेज दे करके लोग उसमें से सीखें और ये भी सीखना है कि क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना है और क्या करना है वो भी सीखना है। तो इस शो में स्टार भारत का ये जो शो है बहुत प्यार करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें हैं और स्टोरी लेवल पे भी है, प्रोडक्शन लेवल पे भी है और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर के। मुझे लगता है ऐसे कोई एक चीज़ नहीं है, ये मेहनत होती है चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चैनल, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सबकी मेहनत होती है जो साथ में अगर दिल से इंसान करे तो वो मेहनत रंग लाती है। अगर हमारे शो की बात करें तो वो 6 साल इसीलिए चला था क्योंकि सबका डेडिकेशन था, सब अपने काम से बहुत पैशनेटली मोहब्बत करते थे और किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर शो का हिस्सा
रहा है वो, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए या अपने काम में कमी नहीं आने देनी चाहिए। एटलीस्ट एज एन एक्टर हमारा यही रहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, और चाहे ये मोहब्बत की बात करें या बहुत अच्छे बहुत प्यार करते हैं, कि मेरे लिए जो भी मैं शो करती हूँ, चाहे मैं एक टाइम पे 3 शो कर रही हूँ, मेरे लिए हर बार यही रहता है कि मैं अपनी पूरे जी जान से मेहनत कर सकूँ उस शो को ऊपर ले जाने में, उस कैरेक्टर को ऊपर ले जाने में। इमरजेंस ऑफ ओटीटी, इतने सारे वेब सीरीज बन रहे हैं, तो वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है खासकर कैरेक्टर आर्टिस्ट को वैल्यू करने के लिए। एक्चुअली आज के टाइम में हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम लोगों को इतने सारे ऑप्शंस हैं एक्टर्स को, कि वो इतने सारे, चाहे वो फिल्में हो चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी में भी बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे, और टीवी चैनल्स बहुत सारे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन मिल जाता है एक्टर को भी अपना काम दिखाने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। और एक टाइम था कि लोग कहते थे कि फला फला एक्टर जो है वो हीरो का किरदार करता है, फला फला एक्टर जो है वो कैरेक्टर एक्टर है, लेकिन आजकल क्योंकि इमरजेंस ऑफ ओटीटी आपने बोला, तो ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कहानी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उसमें जो है कोई भी किरदार हीरो हो सकता है। तो ये बहुत ही अपने आप में ख़ास बात हुई है जो कोविड के बाद का जो माहौल आया है जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म इमर्ज हुए हैं, तो सभी कलाकारों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का। और आपने देखा भी होगा कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर एक्टर्स हैं जो इसमें उभर के आए हैं एज अ प्रोटैगनिस्ट, एज अ मेन एक्टर। तो इट इज़ अ लेवल प्ले ग्राउंड नाउ फॉर एवरी वन। मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि टीवी में, मुझे लगता है यू नो वी रूल द टीवी इंडस्ट्री, वुमन रूल द टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं टीवी में जो कि इतना आसान नहीं होता मूवी तक पहुंचाना, क्योंकि मूवी का टाइम स्पैन बहुत कम होता है, 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में ख़त्म करना होता। आई एम वेरी, मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि मूवीज़ में भी अब ये हो गया है कि वुमेन ओरिएंटेड मूवीज़ बन रही हैं और दिखाया जा रहा है उनके कैरेक्टर को, जो कि पहले नहीं होता था। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग एंड yeah, it's beautiful. Yeah. Okay.